नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। इस खबर में हम आपको बताएंगे एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस एंटी रोमियो स्क्वाड एक बार फिर शुरू करने जा रही है। गाजियाबाद पुलिस 1 जुलाई को इसे विधिवत लॉन्च करेगी। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन इस तरह होगा कि इसमें 5 लोग होंगे, एक सब इंस्पेक्टर और उसके नीचे 2 पुरुष और 2 महिला कांस्टेबल होंगे। जहां मुमकिन होगा वहां इस टीम का मुखिया यानी सब इंस्पेक्टर किसी महिला को बनाया जाएगा। इस एंटी रोमियो स्क्वाड का मकसद होगा लड़कियों को छेड़छाड़ से रोकना और ऐसे लोगों को पकड़ना जो मनचले हों, जो छेड़छाड़ करते हों, जो लड़कियों को महिलाओं को परेशान करते हों। इस टीम के लोग किसी भी पुरुष को संदेह की स्थिति में एक रेड कार्ड पकड़ा सकेंगे। ये कार्ड एक तरह की चेतावनी होगी। इस कार्ड में उस व्यक्ति का नाम, पता, पिता का नाम, उम्र, फ़ोन नंबर, थाना वगैरह लिखा होगा। कार्ड देने का मतलब यह है कि उस व्यक्ति को चेतावनी दी जा रही है कि उसे छेड़छाड़ करने के मामले में उस पर निगरानी रखी जाएगी और अगली बार ऐसा हुआ तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। मामला सिर्फ रेड कार्ड तक नहीं है, इन लोगों का वीडियो भी बनाया जाएगा। ये वीडियो उस व्यक्ति के पुरुष के अभिभावक को दिखाया जाएगा ताकि उसे शर्मिंदा किया जा सके। बाद में अदालत में सबूत के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड कोई नई चीज़ नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने के आदेश दे दिए। उसका मकसद भी महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ को रोकना ही था, लेकिन उस स्क्वाड की काफ़ी बदनामी हुई, उसका आतंक युवकों और युवतियों पर छा गया। एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ चल रहे युवक युवतियों को निशाना बनाते थे, उनके साथ मारपीट होती थी, उन्हें मुर्गा बनाया जाता था, कान पकड़कर उठक बैठक करवाई जाती थी। ज़्यादातर मामलों में आपसी रजामंदी से बैठे हुए या साथ चल रहे जोड़ों को परेशान किया जाता था। पार्क में बैठे हुए, सड़क किनारे चलते हुए, हंसी मजाक करते हुए जोड़ों को पीटा जाता था। इस अभियान की विडंबना ये थी कि महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर चलाए जा रहे अभियान में अधिकतर मामलों में लड़कियों की ही पिटाई होती थी। उन्हें चरित्रहीन कहा जाता था, उनका वीडियो बनाया जाता था, उनके माता पिता को वो वीडियो दिखाया जाता था। इसका सबसे खतरनाक पहलू ये था कि ये काम पुलिस के अलावा दूसरे लोग भी करते थे जो किसी रूप में पुलिस से जुड़े हुए नहीं थे। इनमें से ज़्यादातर लोग हिंदू युवा वाहिनी के थे। इसके अलावा दुर्गा वाहिनी की लड़कियां, औरतें भी इनमें शामिल थीं। ये दोनों ही संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। आलम यह हो गया कि एकाएक 2-4 लोगों का समूह कभी भी किसी भी पार्क में घुस जाता था और वहाँ एक साथ बैठे हुए लड़के लड़कियों के साथ जिरह करने लगता था, उन्हें परेशान करता था, उसके बाद उनका वीडियो बनाया जाता था। लड़कियों की पिटाई होती थी, लड़कों को मुर्गा बनाया जाता था और कई मामलों में उनसे पैसों की वसूली भी होती थी। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या स्टेट को यानी राज्य को ये अधिकार है कि वो मॉरल पुलिसिंग करे, या किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए संगठनों को क्या ये अधिकार है, इजाज़त इसे मिलती है कहीं से भी, संविधान से, पुलिस से, न्याय से? शायद नहीं, लेकिन मॉरल पुलिसिंग होती है। आप याद कीजिए वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है और वैलेंटाइन डे मना रहे युवक युवतियों और लड़के लड़कियों को, जोड़ों को रोकना, उन्हें परेशान करना, उन्हें पीटना, उन्हें थप्पड़ लगाना, उन्हें मुर्गा बनाना, उनसे पैसे वसूलना, उनका वीडियो बनाना आम है और ये घटनाएँ पिछले 5 सालों में बढ़ी हैं। इस तरह की घटनाओं में बीजेपी के लोग भी शामिल पाए गए। क्या ये सिर्फ संयोग है कि इस तरह की घटनाएं उन राज्यों में, उन जगहों पर ज़्यादा हुई है जहाँ बीजेपी की सरकार है, जहाँ बीजेपी मजबूत स्थिति में है? ये सवाल है जिनका उत्तर ढूंढना बाकी है। हम लौटते हैं एंटी रोमियो स्क्वाड की ओर फिर एक बार। 1 जुलाई से एंटी रोमियो स्क्वाड शुरू हो जाएगा। देखना होगा कि ये एंटी रोमियो स्क्वाड इस बार क्या करेगा, महिलाओं की सुरक्षा करेगा या महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर उन्हें ही निशाने पर लेगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक चैनल को लाइक करें,
फॉलो करें, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर भी जा सकते हैं।